एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पेपर 3 की क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैच करते हैं एग्जाम में। सिर्फ उसकी तैयारी करके ही जाने से क्या पासिंग मार्क्स आ सकते हैं, और ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो उसके लिए क्या पूरे सिलेबस को पढ़ना जरूरी है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये टॉपिक शेयर करूँगी। चलिए अभी क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये साइंस के क्वेश्चंस है, पेपर 3 जो डीएलएड के पेपर 3 में साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके टोटल 3 आवर्स के होते हैं और फुल मार्क्स आपके 60 रहेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के मान बराबर है, जिसमें से टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि प्रश्न संख्या 1 एवं 2 अनिवार्य है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस गिवेन है, जिसमें आपको 2 में से कोई 1 क्वेश्चन देना कंपलसरी है। मतलब 2 में 1 आपको ग्रुप ए से, ठीक है, खंड आ से लिखना होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस मिले तो मैं बोलूँगी कि पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करोगे तो आप उसके बाद जानोगे आपको कौन से क्वेश्चंस लिख के आंसर्स लिखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा माइंड सेटअप कर लेते हैं कि नहीं, मुझे 5 ही बनाना है। अब 5 में हम कोई सा भी बना के आ जाए तो ऐसे में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये देखना होगा कि कौन से ग्रुप के क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन टच करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज लेबोरेटरी मेथड यूजफुल इन साइंस टीचिंग, राइट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सेकेंड है, इसी में और करके दिया हुआ है, तो थ्रू लाइट ऑन द यूजफुलनेस ऑफ टीचिंग एड्स, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एड्स इन साइंस टीचिंग। तो यहाँ पे आप देखिए, उसी को यहाँ पे हिंदी में लिखा है, प्रयोगशाला विधि शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी है, इसके गुण एवं दोषों को की विवेचना करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आपको इसमें से जो भी आंसर्स आते हो आप इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उस कौशल का नाम बताएं जिसका विज्ञान शिक्षण के दौरान आप अधिक उपयोग करना चाहते हैं, समझाएं कैसे और क्यों। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की तैयारी की आवश्यकता एवं उद्देश्य पर चर्चा करें। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसके आंसर्स काफ़ी इजी है, आप अपने से सोच कर भी लिख सकते हो, बट टू द पॉइंट लिखना होता है। ग्रुप बी में है, असंतुलित बल क्या है जब किसी वस्तु पर या लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, बल के मात्रक लिखे और इसे परिभाषित करें। अगर बल का आपने टॉपिक किया होगा तो आपको संतुलित असंतुलित बल पता होंगे, तो फिर उसके आंसर्स को यहाँ पे लिखने थे। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म की सहायता से व्याख्या करें। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में अगर हम डायग्राम या पिक्चर्स को बना देना तो वो उसमें क्या होता है, मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, तो ऐसा एग्जाम में करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में, एक ईंधन को आदर्श होना चाहिए, इस कथन को स्पष्ट करें, ईंधन को आदर्श होने की क्या शर्त होती है, वर्णन करें। ठीक है, इसी तरह 6 नंबर के, दहन क्या है, इसमें वायु का क्या महत्व है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ग्रुप डी में है, जल प्रदूषण क्या है और जल प्रदूषण के प्रभावों को बताएं, इसे किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, सुझाव दें। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, हम लोग 10th लेवल के भी कह सकते हैं कि जल प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के बारे में जानकारी सबको होती है, तो आप इसको अपने अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे पादप कोशिका, पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका का अंतर सचित्र स्पष्ट करें, ये तो 8th, 9th, 10th में ही हम लोग पढ़े हैं, तो डीएलएड के क्वेश्चन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो साइंस की इस बार, ठीक है, 19-21 सीजन के जो अभी 2022 में और 8 अगस्त से 16 अगस्त तक जो एग्जाम चली है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए ना, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं पूछे गए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रयोगशाला विधि, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर से आया है। तो अगर डीएलएड कर रहे हैं तो ये बेहतर होता है कि हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ें
वन से टेन तक या वन से एट क्लास तक, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते हैं। मतलब आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, क्योंकि आप क्वेश्चंस देख सकते हो और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाने से मार्क्स नहीं आएंगे, आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी भी ज़रूरी होती है। सो ये था आज का हमारा वीडियो पेपर 10 को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।